हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एमपीसीई 023 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर वाइज, ब्लॉक वाइज, यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन पेपर किए हैं सेलेक्ट, तो आप इनको उसी के अकॉर्डिंग बुक में देख सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं एज यू विश। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रायर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्योरी। ये तो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होगा। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन भी हमने 021 और 022 में भी डिस्कस किया है। और गोल एंड प्रिंसिपल काउंसलिंग ये नया है। डिस्क्राइब इनसाइट काउंसलिंग एंड इट्स थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी को डिफाइन करने के लिए बोला। ये डिफाइन शॉर्ट टर्म काउंसलिंग एंड इट्स प्रिंसिपल, ये भी बुक में है। डिफाइन ब्रीफ थेरेपी एंड इट्स टेक्निक्स। डिफाइन इंटरपर्सनल काउंसलिंग और इसके फोर एरियाज। इंटरपर्सनल जो काउंसलिंग है, ये टॉपिक ना आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। ओके, और ये शॉर्ट टर्म वाला और इनसाइट काउंसलिंग, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये पूरी यूनिट ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जो चिल्ड्रन काउंसलिंग वाला जो यूनिट है उसमें पूरा ए टू जेड सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, स्पेशली उनकी टेक्निक्स, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, कॉज, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, टेक्निक्स फॉर हेल्पिंग लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इंडिविजुअल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इंडिविजुअली, ठीक है। ADHD के सिम्टम्स और टेक्निक्स भी बहुत बार पूछे गए हैं। एंग्जाइटी से रिलेटेड भी बहुत बार पूछा गया है इसके ट्रीटमेंट के साथ। हाँ, एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी जो इसका टाइप्स है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, ये बहुत बार पूछा गया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार, ये पूरा सेम यूनिट का है। ASD डिफाइन करना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके कॉज और टेक्निक्स, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मॉनिटरिंग, ये अनदर क्या है, टेक्निक्स हैं डिसऑर्डर के। ओके, तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है इसी की टेक्निक्स हैं। अवर्जन कंडीशनिंग, टोकन इकोनॉमिक, बायोफीडबैक, ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये 3 मार्क्स में आते हैं। ओके, अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी पे। 10 मोस्ट कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस गिवन बाय बैक विद एरन बैक ने दिया था इसको, तो विद एग्जांपल्स, ये भी बुक में दिया हुआ है। REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, द सिक्वेंस इन द REBT, ठीक है। ओके, रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी इसका फुल फॉर्म है और इसके वो डिफाइन करना है और इसके सिक्वेंसेस को लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इन काउंसलिंग, ठीक है। अब जो टेक्निक्स हैं कॉग्निटिव थेरेपी की, जैसे सेल्फ इंस्ट्रक्शनल, स्ट्रेस इन ऑक्यूलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये 6 मार्क्स में भी आए हैं और 3 में भी आए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है कि एजम्पशंस ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग,
द मिरेकल क्वेश्चंस, ये 3 मार्क्स में आया है, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड इट्स यूजफुलनेस। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग तो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग की मिल जाएगी, बट इसका यूजफुलनेस नहीं है, इसको आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लिमिटेशंस ऑफ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग, डिस्क्राइब रॉजर्स काउंसलिंग ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड द फेनोमोलॉजिकल फ्रेमवर्क, ये भी दिया हुआ है। डिफाइन क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग, और क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग की जो थेरेपी हैं बहुत बार पूछी गई है, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग थेरेपी और फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल 3 मार्क्स में भी पूछा गया है, और यही क्वेश्चन दोनों का मिक्स करके कि डिस्क्राइब सेल्फ एक्चुअलाइजिंग थेरेपी एंड द फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन थेरेपी, इन दोनों को 6 मार्क्स में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ओके, डिफाइन साइकोडायनेमिक मैरिज कपल काउंसलिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग, सेक्सुअल काउंसलिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, टेक्निक्स ऑफ फैमिली काउंसलिंग, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, और टाइप्स ऑफ ग्रुप काउंसलिंग, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और साइको एजुकेशन ग्रुप, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ग्रुप काउंसलिंग का है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यूज ऑफ ग्रुप काउंसलिंग, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्टिज्म, ये क्वेश्चन मतलब डिस्क्राइब और डेफिनेशन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस, साइकोड्रामा और मल्टी मॉडल थेरेपी, ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। बिफोर स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर इन इंडिया, ठीक है, मतलब कहाँ पे है कहाँ कहाँ पे है ये सेंटर्स, तो पटना है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें है ये। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रिपीट हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लेना इसको, एक ही 2 बार आया है। इंडियाज टू लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्हास एंड एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। एप्लीकेशन ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये भी रिपीट हुआ है। ई काउंसलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, इसके दो, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना। एथिकल इश्यूज सिंगल केस एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। डिफाइन आउटकम स्टडीज़, और इसकी जो टाइप्स हैं आउटकम स्टडीज़ के, वो भी रिपीट हुए हैं। और ये सबसे लास्ट वाले जो ब्लॉक है उस यूनिट के हैं ये क्वेश्चन, जो एथिकल इश्यूज़, ई काउंसलिंग, आउटकम स्टडी और एथिकल इश्यूज़ इन काउंसलिंग रिसर्च, तो ये लास्ट में आप देख लेना, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चंस थोड़े रिपीट हुए हैं वो मैंने बता दिए, और कुछ क्वेश्चन जैसे मल्टी सेंसरी थेरेपी करके एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अपना प्रिपेयर कर लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।